हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट्स कैसे चेक करते हैं इन टू वेरिएबल में, है ना। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं। जेएसएससी पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था आपका, चार ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें हम लोग लिमिट्स चेक करने वाले, तो इसका हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें लेके आए हैं। अप्रॉक्स 30 एग्जाम्पल्स है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर दूंगा और अगर हो सके तो हम इसको पूरा पूरा का पूरा मतलब 30 के 30 क्वेश्चन से आपको हम डिस्कस करके देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले दो नोट याद रखिएगा। फर्स्ट नोट है आपका क्या कि अगर कोई लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराना है, टू सो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट इज सफिशिएंट टू सो दैट द डिफरेंट लिमिट अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, है ना। मान लेते हैं अगर ये हम लोग टू डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर टू की बात करें हम लोग, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अगर इस पॉइंट पे हमको लिमिट चेक करना है किसी फंक्शन का, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से हम लोग चेक करने जाएंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो अगर सभी पाथ से अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर मिलती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग लिमिट का जो अलजेब्रा होता है, मतलब सिंगल वेरिएबल में, कि लिमिट एफ ऑफ जी बराबर लिमिट ऑफ एफ प्लस लिमिट ऑफ जी, ठीक है, या माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे इंटू होगा तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटू लिमिट जी हो जाता है, डिवाइड में अपना लिमिट ऑफ बाई लिमिट ऑफ जी हो जाएगा। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट सेम रहता है जैसे फर्स्ट वेरिएबल में हम लोग करते हैं उसी तरीके से सेकंड वेरिएबल में, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ से ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ एक्स वाई एक्स कमा वाई टेंस टू 0 0 और एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस फंक्शन ये जो हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, वो हो गया एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू पुट कर दिया हम लोग आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, तो हमने बन गया, मेरा बन गया यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया आर स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बचा हमारा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो लिमिट है ना, ये हमारा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं गया। अब थीटा की वैल्यू डिपेंड कर गई कि अगर थीटा की वैल्यू जितनी होगी उसके ऊपर हमारा लिमिट डिपेंड कर गया, है ना। तो अगर थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट लिमिट आ जाएगा, तो एक सिंगल लिमिट नहीं आया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी। या फिर आप इसको अगर कार्टिजन फॉर्म में अगर देखना चाहें तो वाई बराबर एम एक्स अगर पुट कर दें यहाँ से, है ना, ऊपर में वाई बराबर एम एक्स पुट कर दें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लिमिट क्या हो जाएगा। यहाँ से वाई बराबर जैसे एम एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स हो गया, वाई बराबर एम एक्स, है ना, यहाँ से आपका एम यहाँ पे सिर्फ एक्स होगा, है ना, ये एक्स है आपका, वाई बराबर एम एक्स है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एम बाई वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब पूरा का पूरा लिमिट डिपेंड करके एम की वैल्यूज़ पे, अगर एम वन लेंगे तो यहाँ पे वन बाई फाइव आ जाएगा, फिर सॉरी वन बाई टू आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर टू लेंगे तो टू बाई फाइव आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट का अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में भी वही है, ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग वाई बराबर एम एक्स जैसे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगा, है ना, यहाँ पर ऊपर में एक्स बच जाएगा, तो एक्स की टेंस जैसे हम लोग वाई बराबर एम एक्स पुट करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये तरीका हमारा हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है ना। फिर बहुत सारे कारण आप तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले में ही देखे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे जितने भी स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट पे 0 0 पे, तो हमारा लिमिट दिख रहा है जीरो। लेकिन क्या पता अगर कर्व टाइप में जो आएगा हमारा लाइंस, तो वो सारे में हम बता नहीं पाएंगे कि ये जीरो पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारा मेथड है ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे बेस्ट मेथड है कि आप यहाँ पे इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर ले और फिर सॉल्व करें। तो पोलर कोऑर्डिनेट में देख सकते हैं एक्स बराबर आर कॉस थीटा एंड वाई बराबर आर साइन थीटा पुट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद चेक कीजिए कि आर अगर जीरो पे जा रहा है तो पूरा मतलब पूरा लिमिट अगर जीरो पे जा रहा है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट होगा और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना।
तो ये वाला मेथड जो वाई बराबर एम एक्स कार्टिजन वाला मेथड है ना, इसको हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, याद रखिएगा ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है हमेशा एप्लीकेबल होता है लिमिट एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर वेरिएबल की डिग्री अगर ऊपर ज़्यादा हो, है ना, और नीचे कम हो, तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट होगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 5 है ठीक है, और नीचे कितनी है, 2 है, तो हमेशा ये जो भी आर के फॉर्म में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे पी प्लस क्यू और नीचे -2, यहाँ से पी प्लस क्यू -2 अगर इससे ज़्यादा बड़ा होगा ऊपर, मतलब कोई टर्म ऊपर में वेरिएबल की डिग्री बचनी चाहिए, है ना, अगर वो बच जाता है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यही वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला, इसके लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 0 होगा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए ऊपर में डिग्री कितना है, 6 है, और नीचे डिग्री कितनी है, सॉरी ऊपर में डिग्री है हमारा 4 है, और नीचे में भी डिग्री सेम है ना। ऊपर और नीचे डिग्री अगर सेम है ना, तो मैक्सिमम टाइम होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए आप सीधा सीधे वाई बराबर एम एक्स पुट कर दीजिए, और वाई बराबर एम एक्स पुट तभी किया जाता है जब हमको लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराना होता है ना, मतलब तो देखना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराए, तो वाई बराबर एम एक्स जैसे पुट किया हमने, तो ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4 m² और नीचे हो जाएगा एक्स के पावर 1 + m, तो m² / m⁻⁴ में आपका लिमिट डिपेंड कर जाएगा, मतलब पूरा का पूरा लिमिट डिपेंड हो गया m पे। तो यहाँ से पता चल गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिया हुआ है फंक्शन 1 1 दिया हुआ, 0 दिया हुआ। 1 कब है, जब हमारा फंक्शन है वो अगर इस पैराबोला पे बिलोंग कर रहा है, पैराबोला की इस लाइन पे बिलोंग कर, इस कर्व पे, है ना। अदरवाइज इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, सब जगह 0 है ठीक है। तो आप इधर से किसी एक पॉइंट ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ये जैसे हमारा फंक्शन हो गया, है ना, ये हमारे जैसे फंक्शन हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर लिमिट चेक करेंगे, अब जब इधर इस कर्व के इस साइड से, मतलब कर्व के इससे जाइएगा तो 1 1 मिलेगा, लेकिन अगर इस साइड से आइएगा या इस साइड से जाइएगा तो हमारा क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। तो लिमिट तो एक, मतलब सिंगल लिमिट नहीं मिल रहा है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट पाथ से, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो x³ - y³ दिया हुआ है, नीचे x² + y² दिया हुआ है ठीक है। अब डिग्री ऊपर में आप साफ साफ देख रहे हैं, डिग्री ऊपर ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट की वैल्यू 0 आएगी। आपको अगर नहीं कर सकते, जैसे नहीं बोल सकते, तो आप यहाँ से r cos θ एंड r sin θ पुट कर दीजिए, और एक्स की वैल्यू r cos θ हो जाएगा, या फिर r² और r बच जाएगा ऊपर में, तो वहीं r को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये तो हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है, तो स्क्वीज लगा के हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्वीज के बारे में अगर नहीं पता तो हम लिख देते हैं एक बार स्क्वीज के बारे में। स्क्वीज तभी लगता है जब लिमिट जो भी हो, मतलब ये 0 पे जाए या एक्स जो भी हो, एक्स इंटू सम यहाँ पे फाइनाइट क्वांटिटी हो या बाउंडेड फंक्शन हो, है ना, फाइनाइट क्वांटिटी और बाउंडेड फंक्शन हो ठीक है। तो ये वाला क्या, ये पूरा लिमिट कहाँ को जाता है, 0। अगर ये 0 को जा रहा है तभी ये 0 को जाएगा, और ये फाइनाइट या बाउंडेड क्वांटिटी होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स वाई दिया हुआ है 0 पे, लिमिट चेक करना है ना, x³ / y⁶। अब इसमें डिग्री ऊपर में देख रहे हैं कि ऊपर में डिग्री 4 है, नीचे में डिग्री 6 आ जा रही है ना, तो ये लिमिट साफ साफ कोई एक वैल्यू पे ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो वो वैल्यू खाली चूज़ करना है x² / my³, और यहाँ से पुट करके लिमिट को दिखा देना है कि लिमिट डिपेंड कर जा रहा है m पे, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी वे में आप tan इनवर्स y/x का कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं ताकि आप खुद से कीजिएगा ठीक है, फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, है ना, इतना सारे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे ठीक है। फिर यहाँ से आपका हो गया x²+y²x²y², तो ये लिमिट है r cos θ एंड r sin θ पुट करके 0 लागेंगे ठीक है। सिमिलर वे में इसको करेंगे इसके बाद वाला, है ना। तो यहाँ से ये जनरल के लिए हो गया, कोई भी अगर x²p √x²y² अगर होगा तो पी की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो वो हो गया p > 1/2 के लिए। सेम वे में करेंगे जब 0 आएगा तब, है ना, फिर वही क्वेश्चन है सेम तरीके का ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, अगर डाउट होगा तो हम बाद में कभी डिस्कस कर देंगे ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, फिर इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये सब को या तो फिर फॉर्मूला बेस्ड याद रख लीजिएगा या फिर बनाने का तरीका सीख जाइएगा ठीक है। फिर इसके बाद
ये देखिए नेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी वही चीज़ पूछा था कि ये कब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस सेट पे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, नेट में वैसे भी टिपिकल क्वेश्चन पूछते ही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। होप सो आपको ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे, और रेस्ट के 15 मैं आपको PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिमिट का आपको शायद कुछ आइडिया हो गया होगा, इस तरीके से आप बाकी लिमिट निकाल सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।